गुड इवनिंग, वेलकम टू एसके एजुकेशन ट्रैक। आज आम एक डिफरेंट टेस्ट एंड रेस्ट विषय एक लेसन रखीचु। इंग्रजी भाषा को उड़िया भाषा माध्यम रे चलचंचल करेबार मानसिकता को नहीं एसके एजुकेशन ट्रैक आपण को भिन्न स्वादर लेसन प्रेजेंट करुछि। इंग्रजी भाषा प्रति रही भय को स्टॉप करिबा, भाषा को आम टॉप करिबा, उड़िया भाषा सहित इंग्रजी भाषा को समान रूप से गतिशील करिबा, उड़िया भाषा भी इंग्रजी भाषा पर हो, इंग्रजी भाषा भी उड़िया भाषा पर हो, यहीपरि मानसिकता को नहीं आमे आपण को डिफरेंट लेसन डिफरेंट वेज रे प्रेजेंटेशन करुछु। सेहीपरि आज क्लास रही रोल्स एंड रूल्स ऑफ फंक्शनल वर्ड्स इन इंग्लिश इम्प्रूवमेंट। इंग्रजी भाषार विकास क्षेत्र रे भूमिका एवं नियम जहाँ फंक्शनल वर्ड को नहीं आम आज लेसन रखीचु। अर्थात आपण जेतेबेळे फंक्शनल वर्ड विषय आम गोटे तथ्य रखिलु, अर्थात इंग्रजी भाषा रे बा इंग्रजी वाक्य रे जेते सबु वर्ड व्यवहार होउछि सेही वर्ड मानको आम दुईटी कैटेगरी करिछु, फंक्शनल वर्ड एंड कंटेंट वर्ड। आम अति चुंबक रे आपणको किछि तथ्य प्रदान करुछु जहाँ आपणको इंस्पायर करिबो, एनकरेजमेंट दबो, मोटिवेट करिबो जे एपरि प्रक्रिया द्वारा इंग्रजी भाषा को आम सहज कर। आमर मुख्य उद्देश्य हूँ आम आपण को 10% पढ़ाइब, आपण ताको 90% करेंगे। आम आपण को 90% पढ़ाइब ना, कारण आपण जड़े शिक्षार्थी, शिखिबा आपंकर कर्तव्य, शिखेबा आमर कर्तव्य। तेणु आम सब शिक्षा अभिप्रेरणा द्वारा आज शिक्षा को प्रेजेंटेशन करुचु, जो प्रेजेंटेशन आपण को अधिक सक्रिय करपरी भाषा शिक्षा को सहज कर। आसन्न आरंभ करवा आज एक गुरुत्वपूर्ण टॉपिक विषय जहाँ इंग्रजी भाषा को अति सहज करने सूक्ष्म डायनामिक एंड मोटिवेशनल वीडियो बोली आम प्रेजेंट कर। मु आंब खाए, वर्तमान खाए गोटे वार्ड, आंब गोटे वार्ड, मु गोटे वार्ड, या शब्द नुहे। आई ईट मैंगो एथिरे भी तीनोटी पद रही, एथिरे भी तीनोटी पद रही, तथापि आम वाक्य को भूल प्रमाणित कर बा आपण भूल बोली अनुभव करुछन्ति। ठीक अछि, जेते बेले आमे भूल अनुभव करुछु ताले निश्चित भाबरे आमे ठीक कण जानिछु। तेणु आमे आई ईट ए मैंगो ए वाक्यटी ठीक, कारण एथिरे वर्तमान ए र कोनोसी सूचना उड़िया वाक्यरे नाही, किंतु आमको ए लेखिबाक पड़िला। अर्थात ए एक फंक्शनल वर्ड जहाँ आमर कमन एरर बा कमन मिस्टेक्स होता है इंग्रजी लिखा समय जिते बे उड़िया को नहीं इंग्रजी भाषा को शिक्षा करने चाहू से ही समय आम उड़िया वाक्य व्यवहार होता कितने शब्द को आम गणु छा, वन टू थ्री वन टू थ्री, यहाद्वारा के वाक्य इंग्रजी वाक्य ठीक हुए ना। तेणु आमको ये जो ए लेखागला यह एक फंक्शनल वर्ड आई ईट ए मैंगो जा करेक्ट सेंटेंस। ताहले आमे जदि उड़िया वाक्य को आगे भल भाव लिखि परिबा ताहले कौन हम मु आंबटीए, मु आंबटीए खाए, अर्थात ए जो टीए वर्ड र मीनिंग होउछि ए किंबा आन। आमे बर्तमान कौन जानिले, तेणु उड़िया भाषा जिते बड़े आम व्यवहार करुचु
सही वाक्यर समस्त क्वालिटी क्वांटिटी को मैनेज करने को पड़ो जहाँ इंग्राजी भाषा को गतिशील कर बर्तमान मुंब खाए आई इट मैंगो जेहेतु मुई आई आंब मैंगो खाए इट तेखिदे किंतु जदि आम आंब टीए खाए खाए आंब टीए आम ए शब्द को व्यवहार करना कारण यह आम निजर भाषा जिते निजर भाषा विषय निज तरफ भूल इंग्राजी भाषा निहाती भाव भूल होवार संभावना रही भाषार एक गुरुत्वपूर्ण भूमिका रही भाषा शिखु भाषा शिखा समय भाषा को भाषा सहित लिंक रही कनेक्ट रही कनेक्शन को आम बुझा पड़ो जहाँ इंग्राजी भाषा सहज हो पार तेणु आई इट ए मैंगो करेक्ट सेंटेंस क्लियर ए होंगे फंक्शनल वर्ड उड़िया वाक्य ना आमको व्यवहार करने को पड़ा अर्थात आम जाने जे उड़िया वाक्य किसी पद न थाई इंग्राजी वाक्य पद व्यवहार करने को पड़ो फर्स्ट रूल सेकेंड आम जी बर्तमान सेकेंड आम देखा यह घर बर्तमान घर यार दुटा मीनिंग आम पाई इट आउ हाउस किंतु वाक्य भूल अच्छे कारण यही वाक्य क्रियापद ना अर्थात आम जदि यही उड़िया वाक्य को भिन्न भाव लिखिपर कम लिखा यह घर ये घर अटे एक घर ताहले आमे बुझिबा दरकार आम मातृभाषा रे आमे निजे आम मातृभाषा को अवहेला करथिबा जबु बोधे इंग्राजी भाषा विकसित हो पारना बा इंग्राजी भाषा आमको डराउछि तेणु यही वाक्य अपेक्षा यही वाक्य अपेक्षा यही वाक्यर करेक्ट ट्रांसलेशन होउछि इट इज ए हाउस तेणु यह घर हेले इट हाउस ए वाक्य भूल ताले बर्तमान एक फंक्शनल वर्ड इज एक फंक्शनल वर्ड ए दुईट फंक्शनल वर्ड किंतु एथिरे नाही यह घर तेणु आमर छोट भाई भोनी माने कॉमन मिस्टेक्स करी थांती जे यह घर को जेते आमे ट्रांसलेशन पचार जाऊँगी इट हाउस बोली आम कही था बेले बेले आम भी अनुभव कर बहुत जगह बहुत स्थान जे यह घर ट्रांसलेशन कौन हम दिस माने यह हाउस माने घर दिस हाउस बोली भी बहुत स्टूडेंट माने आमको भी उत्तर देखें ट्रायल बेसीस बहुत गाँ मंडारे जितने सुजोग पाऊ आम पचार पाँ इंग्राजी विकास विषय से समय से कहती यह घर दिस हाउस किंतु इट इज ए हाउस दिस इज ए हाउस ताहले आम इट आउ दिस विषय जानवा दरकार इट आम कहीं यूज करुचु दिस आम कहीं यूज करुचु आट क्यों क्यों क्षेत्र यूज कराए तार टोटाली तथ्य आम आप प्रेजेंट कर तेणु एक क्षेत्र में इट अपेक्षा आम जी दिस कर सुंदर हो पार तेणु इट कर समस्या रही से विषय आम आप तथ्य रख तेणु नियमित वीडियो देखु अति सूक्ष्म भाव आम संक्षिप्त भाव विकित तथ्य आम आप प्रेजेंट करमर दीर्घ दिन अनुभूति को आम प्रेजेंट करू जो भाषा को सुंदर करवा भाषा को सहज करने एसके एजुकेशन ट्रैक पाखे जथेष रिसोर्स एंड रिसर्च डेवलपमेंट क्राइटेरिया जहाँ आप हेल्प कर क्लियर तार अर्थ यह घर तेनाली बुझे जे यार ट्रांसलेशन इट इज ए हाउस इट एक फंक्शनल वर्ड इज एक फंक्शनल वर्ड क्लियर आम बर्तन नेक्स्ट वाक्य जीवा नेक्स्ट वाक्य कौन रही देखा आम से दुईट बही किणिले
वर्तमान आम ओडिया भाषा को ना इंग्राजी भाषा को गतिशील कर प्रमुख विषय एसके एजुकेशन ट्रैक दुईट भाषा परस्पर भाव में गतिशील करेंगे आपण दुईट भाषा निपुणता आईपारे जिते भाषा निपुणता आप आगक जापरिवे आपण कौन सी विषय आपणपाई कष्टर होता है तेणु भाषा ही समस्त विषय को नियंत्रण करे और समस्त विषय के भी भाषा को नियंत्रण कर से दुईट बही किणवे हि बट टू बुक या भूल अच्छी से इंग्लिश वर्ड दुईटी इंग्लिश वर्ड बही इंग्लिश वर्ड किणले इंग्लिश वर्ड अर्थात सब ओडिया वाक्य पद अच्छी इंग्राजी वाक्य पद अच्छे तथापि यही वाक्य भूल कारण कौन जाना पड़ो जिते बे संख्यावाचक थ्री फोर फाइव नंबर विषय आलोचना करू नंबर पर विशेष पदटी बहुवचन हम हि बट टू बुक्स अर्थात टू कौन बुक्स कौन आम ए विषय आलोचना कर टू बुक्स एक नाउन फेज नाउन फेज रो फर्स्ट लेटर विशेषण सेकेंड वर्ड नाउन अर्थात टू बुक्स एक फ्रेज थ्री बुक्स फाइव बुक्स सेवेन बुक्स आम कह जिते आमको सेंटेन्स करने कहुए फाइव बुक करेक्ट द सेंटेंस पचार से समय सेल्स फाइव बुक्स लिखी करेक्शन करने को पड़ो जहाँ बहुत कमन तेनाली प्रैक्टिस करने चाह बुक टू बुक्स थ्री बुक्स फाइव बुक सेवेन बुक्स हंड्रेड बुक्स थाउजेंड बुक्स अर्थात आम एपरी चंक द्वारा गोटे वार्ड सहित आ गोटे वार्ड कम्बिनेसन ग्रामर को आम इम्पोर्टेन्स नई आम केवल से मिमिमिक्स फॉलोइंग वे जहाँ आम कौ निमोनिक्स वे आम अनुभव कर प्रयोग सुंदर भाव में इंग्लीश ग्रामर आपणकर सहज हो पार आपे आपणकर वाक्यता मन को करेक्शन हो जा क्लियर तेनाली देखिले वर्तमान ही सेल्स फाइव बुक्स क्लियर दिस इज करेक्ट सेंटेंस आगे कौन कहला ही सेल्स फाइव बुक आम कौन लिखले ही सेल्स फाइव बुक्स अर्थात आम बुझे यही वाक्य जो फाइव बुक्स वर्ड यूज करागला आम फाइव एक विशेषण पद बुक्स एक नाउन एत रूल गुड़ी को आमको आवश्यकता ना आमको केमी करे या सहज हो पार गोटे एग्जाम्पल आपको दौर वन कैट टू कैट्स फाइव डस्टर क्लियर जिते कौन सी टेक्स्ट बा कंटेक्स बा कौन सी रीडिंग करछन्ती सही समय रे आपन अनुभव करियो पड़िबो जे वन कैट टू कैट्स फाइव कैट्स अर्थात आम जानले एही सब वर्ड रो फॉर्मेशन विषय रे या एडजेक्टिव प्लस नाउन एडजेक्टिव प्लस नाउन एडजेक्टिव प्लस नाउन एडजेक्टिव प्लस नाउन अर्थात आम जानले जते बेले एडजेक्टिव बहुवचन को रिफर करूची सही समय रे आमे नाउन बहुवचन करियो पड़िबो एत सब रूल अपेक्षा प्राक्ट करवा वन कैट टू कैट्स फाइव कैट्स टेन बुक्स टेन टीचर्स फाइव टेबल्स टेन इंडियन मैथ्स एगुड़क आम प्राक्ट करवा रेगुला रिडिंग करने अनुभव करवास आराम से तेणु आम आज छोट संक्षिप्त भिड द्वारा आपण मानक आम इन्स्पायर करुचु गियर अप करुचु जहाँ आपन को हेल्प कर इंग्लीश भाषा सहित तो ओडिया भाषा को चलचंचल करने सहित तो उभय भाषा मास्टर हेबार मास्टर प्लान आम आपको देखा खूब कम दिन भितर
आपण जणे इंग्रजी रो एक बेटर स्टूडेंट हेई बाहरिबे ए हमर इच्छा जा आपण मानकर सहयोग या पूरा करि पारिबो तेनो आजर वीडियो देखिला परे मतामत निश्चित देबे या सक सब्सक्राइब कमेंट शेयर के भूलिबे नाही आजर ए गुरुत्वपूर्ण विषय आज आमे तथ्य रखिचु जार टाइटल बा टॉपिक रो ना रहिछि रोल्स एंड रूल्स ऑफ फंक्शनल वर्ड इंग्लिश लैंग्वेज और इंग्लिश इंप्रूवमेंट और इंग्लिश डेवलपमेंट वेरी इंटरेस्टिंग टॉपिक फॉर यू थैंक्स फॉर वाचिंग दिस वीडियो.